let's look at the mountains. वेलकम टू माई चैनल टाइम ट्रेवलर ऑन अर्थ, और हम हैं पुलगा में। तो आज मैं आपको पुलगा की सैर कराऊंगा और सीन्स कुछ ऐसे हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम पुलगा। मैं पुलगा का गांव देखने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। ये धर्म भाई हैं हमारे। हाय धर्म। ये रॉनी के फ्रेंड हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विलेज। गिर गए थे हम थोड़े से। क्या देख रहे हो बेटा? धर्म, ये एप्पल के पेड़ है ना, है ना? ये सारे एप्पल हैं। वाओ। तो यहाँ के लोग जाके बेचते हैं या खुद ही खा लेते हैं? अच्छा, दे देते हैं। अच्छा, कौन से महीने में लगते हैं यहाँ पे आप? यहाँ में लगेंगे सितंबर। सितंबर में। Look at this beautiful view. Oh, full of plants. There's a little hut. Smoke coming out of the chimney. Was a local guy. धर्म बता रहा है कि बस दो चार दिन में हरी हरी पत्तियां आने लग गई हैं इन पे। देखो, एप्पल के पेड़ आने लग गए हैं, बस ये हरे भरे हो जाएंगे पत्ते भरने। बेबी बेबी आ जाओ। वी हैव अ पार्टी स्वीटी। ये शीप के वूल पड़े हैं। ये मेरे फ्रेंड के फ्रेंड का कॉटेज है जो कि बिल्कुल लास्ट है और वुड्स के बिल्कुल बीचों बीच है। वाओ,
It's beautiful, isn't it? Right into the woods. सोचो ज़रा, अगर हम ये शहर वाली ज़िंदगी और सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस इन जंगलों में रहने आ जाएं और जो हमने सीखा है उसे अपने आने वाली जनरेशन को फिल्टर करके सिर्फ अच्छे मोरल्स और सिंपल जीवन कैसे व्यतीत किया जाए इतना सिखाया जाए, तो लाइफ फिर से कितनी मीठी और खूबसूरत हो जाए। क्योंकि वैसे भी इन शहरों के बड़े स्कूलों में हमें असली शिक्षा तो दी ही नहीं जाती। यहाँ तो हमें बस ये सिखाया जाता है कि सोसाइटी में रूल्स के साथ और गवर्नमेंट से डर के कैसे जिया जाए, सिर्फ एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कैसे बना जाए। आखिर ऐसा क्या कर लिया हमने ये शहर बसाकर और किताबी पढ़ाई को इतना पेचीदा बनाकर कि आज उसी पढ़ाई ने ये नौबत ला दी है कि हम इस सो कॉल्ड आधुनिक जमाने में खुलकर सांस तक नहीं ले सकते और वाकई में ही नहीं ले सकते। मुझे ऐसे एक इंसान से मिलवा दो जो ये कह दे कि पुराना जमाना खराब था। आज हर कोई पुराने जमाने को याद करता है, जो संग रहते थे पर अब गुजर गए उन पुराने लोगों की फरियाद करता है। कम से कम पुराने जमाने में एक घर में परिवार साथ बैठकर दो वक्त सुकून की रोटी तो खाता था। आज वही परिवार एक छत के नीचे पर अपने अलग अलग कमरों में बैठा बंद बाहर जाने तक से डरता है। और सच्चाई तो ये है कि जहां कभी गूंजा करती थी हंसी की गूंज, आज उसी घर में अब कई कमरे भी खाली हैं। बहरहाल अब हकीकत कुछ और है, पर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि काश मैं वापस इन जंगलों में रहने आ सकता। काश मैं एक अपनी अलग दुनिया यहां बसा सकता। Well, that's it for today, guys. Thank you so much for watching this video till here. I request you all to please leave your feedback in comment section because it really, really means a lot to me. I read each and every one of them. और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। Keep spreading happiness, love. And don't forget to drink a lot of water and water your plants. Till then, love, peace, and rains. Oh, like and subscribe kar dena, guys. Thank you. Bye-bye.